सदस्यों वाला न्यायिक आयोग आज जांच के लिए संभल पहुंचेगा। संभल हिंसा की जांच के लिए यूपी सरकार ने एक दिन पहले ही रिटायर्ड जज डी के अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यों का न्यायिक आयोग बनाया है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी आज संभल पहुंचने की कोशिश करेगा। प्रतिनिधिमंडल में विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे, विधान परिषद में विपक्ष के नेता लाल बिहारी यादव, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल, सांसद जियाउर रहमान बर्क, सांसद हरेंद्र मलिक, सांसद रुचि वीरा समेत 15 नेता शामिल हैं। अमन शांति तो हम लोग भी चाहते हैं, अमन शांति रहे, सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है, लेकिन पुलिस रहने देता हम ना। जिलाधिकारी ने कहा है कि किसी को भी संभल आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि हम किसी को रोकना नहीं चाहते, जो माहौल है उसको बेहतर करना चाहते हैं। जब एक बार सारी चीजें सामान्य हो जाती हैं, कोई आवे किसी से भी मिले कोई आपत्ति नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा है कि समाजवादी पार्टी संभल में माहौल बिगाड़ना चाहती है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.